बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। व्हाट इज मास ऑफ द व्हीकल? कि एक व्हीकल है और उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 2500 न्यूटन है। उस व्हीकल का मास कितना होगा? तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद फोर्स है 2500 न्यूटन, मास हमने कैलकुलेट करना है। तो f इक्वल टू ma का जो फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हम अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। F इक्वल आ गया ma के, इसमें से m कैलकुलेट करना है, तो m इक्वल हो जाएगा f ओवर a के, यानी कि m इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मास आ जाता है 500 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 kg। ए बॉय है और उसने एक किताब उठाई हुई है जिसका मास 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक? वो उस बुक पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? इफ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वो बुक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन दी बुक? तो टोटल कितनी फोर्स इंप्लीमेंट होगी? तो सबसे पहली बात यह कि हमारे पास जो इसने बुक होल्ड की हुई है 2 kg की, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है बुक पे, तो वो उसके वेट की इक्वल होगी। और अगर मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इंप्लीमेंट होता है, तो जो टोटल फोर्स होगी वो भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डाटा में हमारे पास मास का, बुक का मास गिवन है m इक्वल टू 2 kg। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बुक? f कैलकुलेट करनी है। इफ इट मूव्स, एक्सेलरेशन हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, टोटल फोर्स एफ टी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बुक पे, ये वो जितना इसका मास है, इस मास की मदद से अगर हम वेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो उस फोर्स के इक्वल आएगा, यानी कि फोर्स इक्वल होगी उसके वेट के। एफ इक्वल आ जाएगा एम जी के, वैल्यूज पुट करेंगे, मास हमें गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो ये फोर्स आ जाती है 19.6 न्यूटन। नेक्स्ट, टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं जिस फोर्स की मदद से, जितनी फोर्स से वो बुक ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे एफ इक्वल टू एम ए के फार्मूले से। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मास 2 है और एक्सेलरेशन 3 गिवन है, तो एफ इक्वल आ जाता है 6 न्यूटन के। अब टोटल फोर्स क्या आ जाएगी? उसके वेट की फोर्स और जिस फोर्स से वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि 19.6 प्लस 6, तो ये टोटल आ जाती है 25.6 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 3, ए गर्ल ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक गर्ल है जिसका मास 30 kg है और वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रन कर रही है, उसका मोमेंटम क्या होगा? तो डाटा में जस्ट गर्ल का मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, मोमेंटम पी हमने कैलकुलेट करना है। तो हम ये जानते हैं कि पी इक्वल होता है एम वी के, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, मास 30 गिवन है, वेलोसिटी 4 गिवन है, तो मोमेंटम आ जाता है 120 न्यूटन सेकंड के इक्वल। इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी है, और अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले की मदद से मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है, ए 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक 2 kg बॉल है जो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड, वो हिट करती है बल्क ऑफ सैंड के साथ, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकंड, और 0.2 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल, वो सैंड बल्क जितनी फोर्स उस पर इंप्लीमेंट करेगी वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमें क्या गिवन है?
2 kg, ball ka mass given hai, m equal to 2 kg, velocity 15 meter per second, ye initial velocity hai. Kyunki jab uske upar bulk of sand se takrati hai, to wo phir stop bhi hui thi. Theek hai, jab stop hogi, to uski jo final velocity hogi, wo zero ho jayegi. It's come to rest, likha hua hai. To wo jab rest mein aayegi, to final velocity zero ho jayegi. Kitne time mein zero hui? T equal to 0.2 second. Find the force applied by the bulk. F calculate करना है. तो इसका solution देखते हैं. हमारे पास सबसे पहले force calculate करने के लिए acceleration नहीं है. यानी कि जो acceleration produce हुआ, basically तो deceleration था क्योंकि उसकी velocity decrease हुई है उस case में. तो वो हमने calculate करना है. A equal to Vf minus Vi divided by T. तो A equal आ जाता है minus 15 over 0.2 माइनस 15, ये आ जाता है आंसर माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये डीसेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी, इस वजह से साथ नेगेटिव साइन आया है. अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इक्वल टू एम ए का फार्मूला अप्लाई करते हुए फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहां पर आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट करना है, नेगेटिव पुट नहीं करना. ठीक है, अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे ये भी सही, तो वो फोर्स आएगी, वो फोर्स जो बॉल अप्लाई करेगी सैंड पे, तो फिर उसका अपोजिट सैंड जो बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी, वो जारी सी बात है ये अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में होगी. तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 15 न्यूटन ही रहेगा. यानी कि जो फोर्स सैंड अप्लाई कर रही है, सैंड बल्क बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रही है, वो कितना है? 15 न्यूटन है. प्रॉब्लम नंबर 5. ए सॉकर प्लेयर किक द फुटबॉल विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन. एक सॉकर प्लेयर है और वो फुटबॉल को किक करता है 1200 न्यूटन की फोर्स से. इंपैक्ट टाइम 0.60 सेकंड है. चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो डाटा में हमें जस्ट फोर्स गिवन है जो फुटबॉल प्लेयर ने किक की है फुटबॉल को. इंपैक्ट टाइम टी इक्वल टू 0.60 सेकंड है. चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फुटबॉल डेल्टा पी कैलकुलेट करना है. तो हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के. ठीक है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन था. तो ये डेल्टा पी इक्वल आ जाता है एफ टी के. एफ और टी की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास आंसर आ जाता है 720 न्यूटन सेकेंड. फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड. प्रॉब्लम नंबर 6. A 100 grams bullet is fired from 5 kg gun. एक 100 ग्राम बुलेट है और उसको 5 kg gun से फायर किया गया है. Muzzle velocity of bullet is 20 meter per second. Muzzle velocity bullet की गिवन है 20 meter per second. Find recoil velocity of the gun. Gun की recoil velocity calculate करनी है. तो बुलेट का मास जो गिवन है उसको हम स्मॉल m से लिख लेते हैं, 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg. और जो गन का मैस है उसको कैपिटल एम से लिख लेते हैं 5 केजी. बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी से 20 मीटर पर सेकेंड और जो रिकॉयल वेलोसिटी है गन की, गन उसको हम कैपिटल वी से लिख लेते हैं. तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो सेम रहता है. तो बिफोर कोलिजन हम एक तरफ गन का मोमेंटम कर लेंगे और दूसरी तरफ बुलेट का मोमेंटम कर लेते हैं. यहां से बुलेट जो गन है उसकी रिकॉयल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो v इक्वल आ जाएगा एम वी ओवर एम के. यानी कि v इक्वल टू एम और v और कैपिटल m की वैल्यूज पुट की जो यहां पर मौजूद हैं, तो ये वेलोसिटी आ जाती है 0.4 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए रोबोटिक कार ऑफ 15 केजी इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड. एक रोबोटिक कार है जिसका मास 15 केजी है और वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट. ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं उसको स्टॉप करने के लिए. ब्रेक्स अप्लाई कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. जो ब्रेक्स हैं वो 50 न्यूटन की कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई करती हैं. तो हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप. कितने टाइम बाद वो कार जो है वो स्टॉप कर जाएगी. तो डाटा में हमें रोबोटिक कार का मास गिवन है m इक्वल टू 15 kg मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड.
ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी होती है, तो v इक्वल आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, कांस्टेंट फोर्स f इक्वल टू 50 न्यूटन की इंप्लीमेंट हो रही है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स की इक्वल होता है, यानी कि f इक्वल टू डेल्टा p ओवर t। डेल्टा p मोमेंटम, p इक्वल होता है mv के, तो ये f इक्वल आ जाएगा mv ओवर t के। ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन हैं, वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले हमने t कैलकुलेट करना है, तो t को एक तरफ कर लिया, ये t उधर जाएगा तो f इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, t इक्वल टू mv ओवर f। अब इसमें वैल्यूज पुट की, मास 15 है, वेलोसिटी 25 गिवन है और फोर्स 50 है, तो ये टाइम हमारे पास आ जाता है 7.5 सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 50 केजी इज प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ टेबल। एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 50 केजी है उसको टेबल की रफ सरफेस पे रखा गया है। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का वेट क्या होगा। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द टेबल, नॉर्मल फोर्स क्या होगी ब्लॉक बाय द टेबल, यानी कि टेबल की जो नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक पे वो क्या होगी। और इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज 0.4, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक और टेबल के दरमियान 0.4 हो, तो मिनिमम फोर्स फाइंड करनी है जो ब्लॉक को मूव करवाएगी टेबल पे। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। मास हमें गिवन है वुडन ब्लॉक का m इक्वल टू 50 kg प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ टेबल। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, w कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स Fn कैलकुलेट करना है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू 0.4 गिवन है, मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन द टेबल F कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले वेट कैलकुलेट करने के लिए W इक्वल टू mg का सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे। इसमें मास गिवन है 50, g की वैल्यू 9.8 होती है, तो ये मल्टीप्लाई होके वेट आ जाता है 490 न्यूटन। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो टेबल ब्लॉक पे इंप्लीमेंट कर रहा है, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगी, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक वो फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी, यानी कि F इक्वल होगा W के, तो Fn इक्वल हो जाएगा, W हमारे पास 490 न्यूटन था, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी 490 न्यूटन आ गई। इसके बाद हमने मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन टेबल कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारे पास F इक्वल होगा म्यू एम जी के, F इक्वल आ जाएगा 0.4 इंटू एम की वैल्यू 50, g की वैल्यू 9.8, तो ये सिंप्लीफाई होके F आ जाता है 196 न्यूटन। ये बेसिकली जो फोर्स है ना, मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक, ये मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स थी, फ्रिक्शन फोर्स होगी तो तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ये वो फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट की तो 196 न्यूटन आ गई। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है, ए साइक्लिस्ट वेटिंग 500 न्यूटन इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 60 मीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट है जिसका वेट 500 न्यूटन है और वो मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 60 मीटर है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है जो उसको सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाएगी। तो डाटा में हमारे पास वेट गिवन है 500 न्यूटन का, मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर 60 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है 12 मीटर पर सेकंड की, सेंट्रीपेटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो Fc इक्वल होता है mv स्क्वायर ओवर r के। अब m हमारे पास नहीं है तो पहले वेट की मदद से m हम कैलकुलेट कर लेते हैं। W इक्वल होता है mg के, तो m इक्वल हो जाएगा W बाय g के, यानी कि m इक्वल टू वेट हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 9.8 होती है, तो मास आ जाएगा 51 kg। अब इसको सेंट्रीपेटल फोर्स के फॉर्मूले में यूज करेंगे, Fc इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। मास हमने कैलकुलेट किया 51, वेलोसिटी गिवन है 12 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर रेडियस 60 गिवन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7344 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाती है 122.4 न्यूटन। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11 है,
A stone of 500 gram tied to a string of length 50 centimeter is whirled by a girl in a horizontal circle with speed of 3 meter per second. एक स्टोन है जिसका मास 500 ग्राम है और उसको एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है उसके साथ टाई किया गया है और एक लड़की उसको घुमाती है हॉरिजॉन्टल सर्कल में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ. तो टेंशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग में. आल्सो टेल विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन दी स्ट्रिंग. कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी जो कि टेंशन प्रोड्यूस कर रही है उस स्ट्रिंग में. तो हमारे पास इसमें स्टोन जब टाई करके इतने लेंथ की स्ट्रिंग के साथ रोटेट करवाया जाएगा सर्कल में, तो ये जो लेंथ होगी ये उसके रेडियस की इक्वल आ जाएगी. तो एक हम मास नोट कर लेंगे, m इक्वल टू 500 ग्राम, ये आ जाएगा 0.5 केजी, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l 50 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस की इक्वल होगी, तो इसको आर लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर. हॉरिजॉन्टल सर्कल विद स्पीड वी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, कैलकुलेट करना है. आल्सो टेल विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन. तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. यहां पर जो टी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होगी, टेंशन इक्वल होगी एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. तो T इक्वल आ जाएगा एफ सी की, जो M हमें मास गिवन है 0.5 है, V स्केयर 3 स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.5, 0.5, 0.5 से कैंसिल, तो टेंशन आ जाती है 9 न्यूटन. अब ये कौन सी फोर्स टेंशन क्रिएट कर रही है उस स्ट्रिंग में, तो वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है. जाहिर सी बात है कि जब हम स्टोन को सर्कल में मूव करवाएंगे तो कौन सी फोर्स उसे सर्कल में मूव करवाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करवा रही है उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू बॉडीज ऑफ मैसेज 10 केजी एंड 8 केजी हैंगिंग बाय स्ट्रिंग दैट इज पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली. दो बॉडीज हैं जिनका मैस 10 केजी और 8 केजी है और उसको एक स्ट्रिंग से हैंग किया गया है जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारी गई हैं. बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली ऑन रिलीजिंग देम. दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करती हैं, तो एक्सेलरेशन और टेंशन जो प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग में वो कैलकुलेट करनी है. ये केस वन से रिलेटेड है जिसमें दोनों बॉडीज जो हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजार कर उसके साथ अटैच की जाती हैं, तो वो दोनों वर्टिकली मूव कर रही होती हैं. तो इसमें हम 110 केजी हम नोट कर लेंगे, हम 28 केजी नोट कर लेंगे. हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन. तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g. अब m1 और m2 की वैल्यूज पुट कर देंगे और g की वैल्यू हमें मालूम है. m1 10 माइनस m2 8, 10 प्लस 8 इनटू g की वैल्यू 10 होती है या 9.8 पुट कर लें. तो a आ जाएगा 2 ओवर 18 इंटू 10 यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके बाद टेंशन कैलकुलेट करनी है. तो टेंशन के लिए हमारे पास फार्मूला है t इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g यानी कि t इक्वल आ जाएगा 2 इंटू m1 10 है और m2 8 है डिवाइडेड बाय m1 10 प्लस 8 इंटू 9.8 g की वैल्यू. यहां पे भी आप g की वैल्यू 9.8 पुट कर लीजिएगा. वैसे राउंड ऑफ करके हम 10 भी पुट कर सकते हैं. तो ये सिंप्लीफाई होगा जब, तो 160 ओवर 18 इंटू 9.8 आ जाता है यानी कि टेंशन इक्वल आ जाएगी 87.1 न्यूटन के. इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 13. फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग एटवुड मशीन हैविंग मास 5 केजी एंड 3 केजी इफ सिस्टम हैज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो शायद जहां पर नहीं आई. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास जहां पर है 2 है या 3 है, खैर वो डाटा में नोट कर लिया मैंने. एक्सेलरेशन हमने फाइंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैलकुलेट करना है. एटवुड मशीन कौन सी होती है, एटवुड मशीन ये वही केस है जो इससे पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, ठीक है, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव कर रहे थे, तो उसको एटवुड मशीन से हम कंपेयर कर सकते हैं.
तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी कैलकुलेट करना है हैविंग मास एम वन 5 केजी एंड एम टू 3 केजी और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर ये स्टेटमेंट हाफ कॉपी हुई है, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्टेटमेंट में आपको एक्सेलरेशन गिवन है, सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो पिछले न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज किया वो यहां पर यूज करेंगे, ए इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी। हमने जी कैलकुलेट करना है तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड होगा, यानी कि एम वन प्लस एम टू ओवर एम वन माइनस एम टू इंटू ए इक्वल आ जाएगा जी के। तो जी उस तरफ लिख लेंगे और ये टर्म इस साइड पे लिख लेंगे, इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एम वन फाइव प्लस एम टू थ्री ओवर फाइव माइनस थ्री इंटू टू, तो ये 8 ओवर 2 इंटू 2 आ जाता है, जी की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।